नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। चुनाव के आचार संहिता लगते ही वाहनों की चेकिंग शुरू। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन पर करकेली बस स्टैंड में उमरिया आरटीओ अभिनेश गणपाल द्वारा वाहनों की चेकिंग अभियान चलाकर 12 गाड़ियों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों के शीशे से काली पट्टी निकाली गई और अवैध प्लेट व राजनीतिक दलों के प्लेट निकाले गए, जिसमें 15,000 रुपए लगभग की वसूली की गई। वहीं पर जिला मुख्यालय से पुलिस लाइन के मोड़ पर आए दिन दुर्घटना होने को लेकर आरटीओ वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात भी कही गई। वहीं पर करकेली बस स्टैंड में वाहन राहगीरों का आना जाना होता है, साथ ही विद्यालय के छात्र और छात्राओं को भी ट्रैफिक के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। NH-43 सड़कों को पार करते समय छात्र छात्राओं के साथ कभी भी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस विषय पर उमरिया आरटीओ ने यहां बैरिकेड लगाने की बात कही। कई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर वाहनों में अन्य कागजात ना मिलने पर उनके तहत कार्रवाई की गई। लगभग 10-12 वाहन 15,000 करीब की कार्रवाई और अभी कार्रवाई चल रही है। अभी तक कितनी गाड़ियां पर पकड़ी है सर? अभी तक लगभग 10-12 गाड़ियों के कागज देखे गए, जिसमें कि अधिकतर केसों में ड्राइवर का लाइसेंस ना होना, फिटनेस ना होना, ये सब कमियाँ पाई गई। कुछ गाड़ियों में अवैध नेम प्लेट पाई गई, उस पर कार्रवाई की गई। सर एक बात और सर, कि मैं SP सर से बात करके और ट्रैफिक थाने में बात करके यहाँ पर बैरिकेड्स, जैसा कि आपने बोला है, बैरिकेड्स वगैरह की व्यवस्था कराई दी जाएगी और मेरे द्वारा निरंतर अभी चेकिंग किया जाएगा। जैसे आज कार्रवाई की गई, वैसे आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।